वास्तुशास्त्र के हिसाब से टी पॉइंट्स बेनिफिशियल होते हैं नहीं होते, टी पॉइंट्स का कोई भी बैड इफेक्ट्स होते हैं नहीं होते। बहुत सारे लोगों को अपने दिमाग में ये मिथ होती है कि टी पॉइंट पर अगर उनका घर आ जाता है, अगर उनकी दुकान आ जाती है, फैक्ट्री आ जाती है, तो वो एक व्यक्ति को बहुत ही बुरे प्रभाव देते हैं। अगर एक व्यक्ति का एक प्लॉट इस तरीके से टी पॉइंट रोड पॉइंट पर हिट कर रहा हो, तो उस जगह पर क्या वास्तव में उस व्यक्ति को नकारात्मक प्रभाव आते हैं नहीं। टी पॉइंट हमेशा से बुरे नहीं होते, कुछ कुछ डायरेक्शंस के लिए टी पॉइंट के प्लॉट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर हम टी पॉइंट की बात करें और अगर हम आठ दिशाओं की बात करें, तो आठ दिशाएं हैं नॉर्थ डायरेक्शन, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, देन ईस्ट डायरेक्शन, देन साउथ ईस्ट, उसके बाद साउथ डायरेक्शन, साउथ वेस्ट, उसके बाद वेस्ट डायरेक्शन एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये आठ प्रमुख दिशाएं मानी गई हैं। अगर इन आठ प्रमुख दिशाओं के अकॉर्डिंगली हम लोग देखें कि हमारा घर एक इस तरीके से बना हुआ है, हमारे घर में हमारी ये पोजीशन नॉर्थ डायरेक्शन है और ये पोजीशन साउथ डायरेक्शन है, मतलब कि इस तरफ से जो एनर्जी आ रही है वो साउथ की तरफ से आ रही है। जब ये टी पॉइंट रोड से एनर्जी आती है, तो इसका मतलब बहुत तेज एनर्जी का फ्लो आपके घर की तरफ आ रहा है, और वो क्या आपको सकारात्मक प्रभाव दे रहा है या आप लोगों को वो नकारात्मक प्रभाव दे रहा है। अगर आपकी ये एंट्रेंस साउथ की तरफ आ जाती है, आपके घर का प्रवेश द्वार इस तरफ है, साउथ की तरफ आपके घर की एंट्रेंस है, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होती। तो साउथ पर अगर टी पॉइंट की एंट्रेंस आ जाती है, तो इट इज नॉट एट ऑल बेनिफिशियल। सिमिलरली अगर ये वेस्ट की तरफ, अगर ये साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट की तरफ, ये पांच डायरेक्शंस आ जाती हैं, अगर आठ डायरेक्शंस में से आपके घर की एंट्रेंस की तरफ और इस तरफ अगर टी पॉइंट रोड हिट आपके घर, शोरूम या फैक्ट्री को हिट कर रही है, तो वो आप लोगों को बहुत ही नकारात्मक प्रभाव दे सकती है। अगर आपके घर की एंट्रेंस नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन होती है और टी पॉइंट रोड हिट आपके घर को हिट कर रही है, तो ये नकारात्मक ऊर्जाओं की बजाय आपके घर में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जाओं को लेकर आता है। आपका प्लॉट अगर नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट फेसिंग है और सामने से रोड आपको हिट कर रही है, तो ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव एंट्रेंस मानी जाती है और उस जगह पर टी पॉइंट रोड हिट का आपके घर पर, आपकी लाइफ पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। अब जो भी नेगेटिव एंट्रेंसेज हैं, यानी कि जो भी ये एंट्रेंसेज हैं, अगर इन पर टी पॉइंट रोड हिट आ जाती है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने घर के दोनों तरफ स्वास्तिक जरूर बना लेना चाहिए। इसके साथ साथ आप अपने घर के दोनों पिलर्स की तरफ, जो आपका प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार के दोनों पिलर्स की तरफ सामने की तरफ फेस करके भगवा मिरर्स लगा सकते हैं और घर के बाहर कुछ बड़े पेड़ लगा सकते हैं, ताकि जितने भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर के अंदर इस टी पॉइंट रोड हिट की वजह से आ रही हैं, वो आपके घर में प्रवेश ना करें। टी पॉइंट पर हर समय आपका घर या आपकी फैक्ट्री बुरे नहीं होते। अगर नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ आपको टी पॉइंट की हिट मिल रही है, तो वो घर आपके लिए बहुत अच्छी ऊर्जा लाते हैं और आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी सक्सेस भी देते हैं। धन्यवाद।